नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। झांसी लोक जन संघर्ष पार्टी के बुंदेलखंड स्तर की बैठक का आयोजन 223 विधानसभा प्रत्याशी मुमताज खान के निवास पर संपन्न हुए, जिसमें डॉक्टर सूर्यकांत अहिरवार को बुंदेलखंड प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसकी घोषणा विधिवत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश अहिरवार ने की। बुंदेलखंड अध्यक्ष फूल सिंह तोमर ने प्रमाण पत्र देकर मुमताज खान की अध्यक्षता में घोषणा की। इस बीच ओबीसी अध्यक्ष महेंद्र झा, राजेश ठेकेदार, वीरू मिस्त्री, सुमित पहरवार और परिहार, पवन यादव, रज्जाक मंसूरी, अफजल, जावेद, गोलू आदि लोग मौजूद रहे। इंडिया समाचार के लिए थी हमारे संवाददाता मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट झांसी से। किस संबंध में कार्यक्रम रखा गया और किस पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम किया? आज के कार्यक्रम में श्रीमान जी लोक जन संघर्ष पार्टी के तत्वाधान में रखा गया है ये कार्यक्रम मीटिंग, और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय श्री मुमताज खान जी हैं उनके निवास पर, और झांसी 223 विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं उनके निवास पर ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि आने वाले 2022 मिशन में हम लोग अपना प्रत्याशी आगे बढ़ करके तय करेंगे, और मैं बुंदेलखंड अध्यक्ष होने के नाते, फूल सिंह तोमर मेरा नाम है, बुंदेलखंड अध्यक्ष के नाते मैं अपने आज ये बुंदेलखंड प्रभारी अपने श्री सूर्यकांत अहिरवार जी को सम्मानित महोदय राष्ट्रीय महासचिव के निर्देशन में व ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देशन में, और माननीय हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय श्री मुमताज खान जी के निर्देशन में आज सूर्यकांत जी अहिरवार को बुंदेलखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। झांसी में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दों में एक तो महंगाई है, दूसरा चीज मेरा है बेरोजगारी भी है, तीसरी चीज बिजली की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या बिजली की है अपने यहाँ। अभी आप देखिए माननीय योगी सरकार में सबसे ज़्यादा 75 जिले जो बिजली विभाग के थाने अलग जो तैनात किए गए हैं, वो 3-4 करोड़ का भार हमारे आपके ऊपर जो पड़ा है। क्योंकि पुलिस तो इतना है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्या जरूरत थी यहाँ मतलब थाने खोलने की आवश्यकता, जो एंटी करप्शन थाने अलग से बना के रखती है। सर, जैसे कि आपने बोला कि आप मुमताज जी अपने विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो इसके पहले इन्होंने कभी जनता से बात करने की कोशिश